दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार औरत थी, जिना करने वाली औरत थी। लेकिन दोस्तों, उस औरत के साथ बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों अल्लाह के वली बन गए। दोस्तों, इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बदकार औरत के सातों बच्चे अल्लाह के वली कैसे बन गए। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वह बदकारी भी इंतहा कर जाती थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वह इतनी मालदार हो गई थी कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था, फिर एक तख्त बनाया। वह बन सवर कर एक मलिका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वह अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वह इधर से गुजरे और गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र उठी तो उस बदकार औरत पर जा पड़ी और उस बदकार औरत की तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकिबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता। उसने रोज़े भी रखे लेकिन उसका ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई और कई कई रोज़ अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। यहाँ तक के उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती तो मैं जाता हूँ। चुनांचे उसके पास थोड़ा बहुत सामान था, उसने बेचा और इतना पैसा जमा किया जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वह उस बदकार औरत के पास आया और उसे पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया और बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान दिल में यह ख्याल आया कि मैंने नेकोकारों के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस बदकार औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया कि अल्लाह तबारक व ताला का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो औरत बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब चार पाई पर इस तरह आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए, ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। औरत ने कहा तुम कौन हो, क्या हो। उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती में रहता हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा होगा। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई थी उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनांचे औरत के दिल में ये ख्याल आया कि यह कावारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई।
नदामत होने लगी कि करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वह अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा जानता था। वह ऐसी नामी ग्रामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वह उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए से यह पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाके कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं, जिनको ढंग ही नहीं होता पैगाम पहुँचाने का। उस खुदा के बंदे ने सबके सामने जाकर कह दिया कि हज़रत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने आई है, इनका क्या ताल्लुक उससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो कि चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ़ ने आके कहा कि मैंने जो बात कही वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, वो तो बड़े खफा हुए, वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियाँ ही ऐसी है कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज़ था, अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज़ हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनांचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि जो बंदा अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि उसके सामने सजदा करे। चुनांचे उसे और कोई तरीका आता ही नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा किया। दिल से कह रही थी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, खुदा मेरा कोई नहीं, अल्लाह मेरे कोई नहीं तेरे सिवा। उसे पूरी दुनिया में कोई नजात का रास्ता नज़र नहीं आता था। फिर अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादिमा है। मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की है वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाऊँ। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को ना देखे कि यह कौन जा रही है। फिर उसने सोचा कि औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला का इतना खौफ था कि वह अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं पर उसकी खादिमा बनकर रहूं कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे ढूंढते हुए उस बस्ती में पहुंची और घर वालों से कहा कि फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो उन्होंने कहा कि उसके जिक्र इबादात का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनांचे उसने कहा कि अच्छा, इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी थी तो अचानक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। अचानक उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी, यह सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वह वक्त याद आ गया कि वह कौन सा वक्त था जब मैंने मुसल्ले को छोड़कर बिला आखिर उसकी चारपाई पर बैठा था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आया, ये मैंने तो बड़ी मुश्किल से इसका तसव्वुर अपने दिल से निकाला था।
नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वह वहीं पर गिर गए और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर उसके घर वाले भी रंजिदा और उस औरत को बड़ा ही गम था। खैर, 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उनके घर वालों ने कहा कि अब तो वह इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है कि अगर पहले ही ये औरत ऐसी रही और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपनी निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनांचे उस औरत ने उस शख्स के साथ निकाह कर लिया और उस औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने 7 बेटे अता फरमाए। वो 7ों बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। दोस्तों, ऐसी बदकार औरत अगर तौबा करती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, देखा आपने तौबा करने की बरकत। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व ताला उसे माफ फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, हमसे जाने अनजाने में हमारी जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे हमारा ईमान ही चला जाता है और हमें खबर भी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा व इस्तगफार करते रहे। बेशक अल्लाह तबारक व ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।